हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड कुछ फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन में एक फॉल्ट होता है रेनबो स्क्रीन का फॉल्ट, यानी कि आपका जो टेलीविजन की स्क्रीन पर रेनबो कलर प्राप्त होने लगते हैं, यानी कि सात रंग आने का आभास होने लगता है और टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र नहीं आकर के आपको रेनबो, रेनबो का मतलब है इंद्रधनुष, या में जिस प्रकार से सात रंग होते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर सात रंग आने का आभास होने लगता है और चित्र नहीं आता है। तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट हो जाए टेलीविजन में कि आपका जो है रेनबो का स्क्रीन प्राप्त हो और टेलीविजन के स्क्रीन पर चित्र प्राप्त नहीं हो, तो उसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि खराबी जो है क्या वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड है या हमारा जो है अन्य विभाग से है। तो हम लोग स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं और स्क्रीन को ध्यान से देख करके ये पता लगाते हैं कि खराबी जो है वास्तव में वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड है या कहीं और है। तो जो स्क्रीन पर जो रेनबो प्राप्त होगा उसमें हमको ध्यान से ये देखना होता है कि जो है प्राप्त होने वाला रेनबो में क्या जो है बदलाव हो रहा है कि नहीं। रेनबो में अगर बदलाव होता है उसके बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में अगर धीरे धीरे परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो ये मानेंगे कि खराबी वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड नहीं होकर के खराबी आपको वीडियो आउटपुट सेक्शन से रिलेटेड है। और अगर टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला रेनबो में कोई बदलाव नहीं हो तो समझिए कि खराबी मुख्य रूप से वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड है, या मेन आईसी भी फॉल्टी हो जाएगा तो उस स्थिति में आपका रेनबो का फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो वर्टिकल सेक्शन के लिए समझना ये है कि उस वर्टिकल सेक्शन में ये आपको रेनबो का फॉल्ट उत्पन्न होता है जिस वर्टिकल सेक्शन को ड्यूल सप्लाई पर ऑपरेट कराया जाता है। जो लोकल जो टेलीविजन सेट होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको जो है ड्यूल पावर सप्लाई पर ऑपरेट नहीं कराया जाता है, तो इसलिए लोकल जो टेलीविजन सेट में आपको जो रेनबो का फॉल्ट नहीं के बराबर उत्पन्न होते हैं, यानी कि वर्टिकल सेक्शन से फॉल्ट जो है आपको नहीं के बराबर उत्पन्न होंगे। तो क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड कंपनी के जो टेलीविजन सेट होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्टिकल सेक्शन को ड्यूल पावर सप्लाई पर ऑपरेट कराया जाता है, अर्थात वर्टिकल सेक्शन को काम करने के लिए क्या किया जाता है कि ईएसटीटी के द्वारा जो है पॉजिटिव वोल्ट, निगेटिव वोल्ट और ग्राउंड, तीन तरह का जो है सप्लाई का लाइन आउट होता है और वो सप्लाई पॉजिटिव, निगेटिव और ग्राउंड वो सप्लाई लेकर के वर्टिकल सेक्शन को दिया जाता है काम करने के लिए। जब सप्लाई लाइन में फॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि इस आईसी का वोल्टेज अब नॉर्मल हो जाता है, इस आईसी का वोल्टेज असामान्य हो जाता है। जब इस आईसी का वोल्टेज असामान्य हो जाता है या आईसी भी खराब हो जाता है या आईसी से रिलेटेड कोई कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, डायरेक्ट जो आईसी से कनेक्ट रहते हैं कंपोनेंट अगर वो खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में आईसी के विभिन्न पिनों का वोल्ट अब नॉर्मल हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आउटपुट का वोल्टेज जब अब नॉर्मल हो जाता है तो ये अब नॉर्मल वोल्ट जो है चला जाता है कहाँ पर, डिफ्लेक्शन योग कॉइल को चला जाता है। और डिफ्लेक्शन योग कॉइल का दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है कि दूसरा जो टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन में अर्थ होता है। ड्यूल जो सप्लाई पर जो वर्टिकल सेक्शन ऑपरेट कराया जाता है उसमें आपको कैपेसिटर का प्रयोग है, डिफ्लेक्शन या कॉइल के दूसरे सिरे के साथ कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस के द्वारा डिफ्लेक्शन या कॉइल के एक सिरे को निगेटिव प्राप्त होता है, जबकि जब आईसी फॉल्टी हो जाता है या आपका जो है सप्लाई लाइन में किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज जो है चेंज हो जाता है, वोल्टेज बदल जाता है। जब वोल्टेज बदल जाता है तो यहाँ का वोल्टेज कुछ और होता है, जबकि निगेटिव लाइन में जो है जो ग्राउंड होता है उसका वोल्ट कुछ और होता है। तो इन दोनों के वोल्ट में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर एक प्रकार का शॉर्टिंग की स्थिति पैदा हो जाती है, तो जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपके पिक्चर ट्यूब पर आपको रेनबो का इफेक्ट जो है दिखाई देता है। साथ ही साथ इनपुट से रिलेटेड पुर्जे अगर फॉल्टी हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी आपका जो है आउटपुट का वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है और उस स्थिति में जो है आपका क्या होता है तो रेनबो का इफेक्ट दिखाई देता है। फॉल्ट होता है पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होता है उस जो चित्र के साथ आप देखेंगे कि उजला पतला तिरछा लाइन प्राप्त होता है। तो अगर आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर आपको चित्र नहीं आता, चित्र के साथ साथ उजला पतला तिरछा अगर लाइन नजर आए तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम लोग पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन का फॉल्ट बोलते हैं। तो पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन का जो फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट में सबसे पहले हम लोग ध्यान ये देते हैं कि पिक्चर ट्यूब का जो
ग्रिड नंबर वन है और ग्रिड नंबर टू से रिलेटेड भी यह फॉल्ट जो है उत्पन्न होता है, तो या जो है पिक्चर टीवी फॉल्टी हो जाएगा, तो इस प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो अगर आपका स्क्रीन कंट्रोल घुमाने पर, लाइट को कम कर देने पर, और फिर भी अगर चित्र के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त हो, यानी कि चित्र के साथ साथ उजला पतला तिरछा लाइन प्राप्त हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देते हैं रिट्रेस लाइन में कि कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होता है तो आप जो है टेलीविजन सेट को सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट मोड में करिए। ब्लैक एंड वाइट मोड का मतलब है कि कलर को जीरो करने के बाद जो है टेलीविजन की स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट चित्र प्राप्त होना चाहिए। अगर कलर को जीरो कर देने पर ब्लैक एंड व्हाइट चित्र प्राप्त हो जाए और उस स्थिति में फिर हम देखेंगे कि टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में रिट्रेस लाइन प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर कलर को जीरो करने के बाद भी टेलीविजन के स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन प्राप्त हो और लाइट कम करने के बाद भी रिट्रेस लाइन प्राप्त हो, तो खराबी जो होगी वो वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड होगी। वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड खराबी में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि टॉप साइड में, ऊपरी साइड में रिट्रेस लाइन प्राप्त होता है। तो अगर रिट्रेस लाइन अगर प्राप्त हो, पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन आए, तो उस स्थिति में अर्थात चित्र के साथ साथ उजला पतला तिरछा लाइन नजर आए, तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या हैं कि ये वर्टिकल आईसी के ब्लैंकिंग पिन से रिलेटेड पुर्जे की जांच करते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं, पहले ही जान चुके हैं कि वर्टिकल आईसी का ब्लैंकिंग से रिलेटेड पिन कौन होता है, तो पिन नंबर तीन होता है। पिन नंबर जो तीन होता है वो वर्टिकल ब्लैंकिंग से रिलेटेड पिन होता है। तो अगर तीन से रिलेटेड कोई भी पुर्जा खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपको चित्र के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तीन के साथ यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर, साथ ही साथ यह डायोड, ये कोई भी फॉल्टी हो जाएंगे, तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि टेलीविजन की स्क्रीन पर पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन के चित्र के ऊपर उजला पतला तिरछा लाइन प्राप्त होंगे। इसके अलावे डिफ्लेक्शन योग क्वाइल के दोनों टर्मिनल के साथ है कुछ कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो अगर ये दोनों ये कंपोनेंट जो लगे होते हैं डिफ्लेक्शन योग क्वाइल के साथ, जो कि फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी के मान को स्थिर रखने का काम करते हैं, तो अगर ये दोनों में से कोई भी अगर कोई फॉल्टी हो जाएंगे, तो उस स्थिति में भी आपके जो टेलीविजन की स्क्रीन पर उजला पतला तिरछा रिट्रेस लाइन प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि अगर पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होता है, तो आपका डिफ्लेक्शन योग क्वाइल से लगा हुआ कंपोनेंट, यानी कि दोनों टर्मिनल के साथ लगे हुए कंपोनेंट, और साथ ही साथ इस आईसी के पिन नंबर तीन से लगे हुए कंपोनेंट से संबंधित खराबी होगी, या जो है आपका आईसी भी फॉल्टी हो सकता है। आईसी भी अगर खराब हो जाएगा, तो उसके अंदर का ब्लैंकिंग जो सेक्शन होता है वो सही रूप से काम नहीं करेगा, तो उस स्थिति में पिक्चर विथ रिट्रेस लाइन प्राप्त। फॉल्ट होता है जंपिंग पिक्चर का। जंपिंग पिक्चर का मतलब है कि जो टेलीविजन की स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होगा वो जंप करेगा। तो अगर जंपिंग पिक्चर का फॉल्ट आ जाए, यानी कि पिक्चर के जो टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला जो चित्र होगा अगर वह जंप करे, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस आईसी की सप्लाई की जांच करते हैं कि आईसी को सप्लाई सही रूप से प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, और आईसी की सप्लाई के साथ साथ इसके साथ लगे हुए फिल्ट्रेशन की जाँच करते हैं कि आईसी के साथ जो सप्लाई के साथ जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर ये फॉल्टी हो जाएंगे तो यहाँ का सप्लाई जो है फिक्स नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति में भी जो है पिक्चर आपका जंप कर सकता है, या इसको हम लोग जो है पावर सप्लाई से सप्लाई देते हैं, अगर पावर सप्लाई भी फॉल्ट रहेगा तो उस स्थिति में सप्लाई लोड अगर नहीं लेगा, तो उस स्थिति में भी पिक्चर आपका जंप कर सकता है। और इसके अलावे प्रोमिनेंट फॉल्ट क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई लोड ले रहा हो और पावर सप्लाई से वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहा हो, फिर भी अगर पिक्चर जो है आपको जो टेलीविजन की स्क्रीन पर आने वाला जो चित्र है अगर वो जंप करता है, तो खराबी आपको मुख्य रूप से यह जो है माइक्रो प्रोसेसर आईसी की होगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आईसी के अंदर ही इंटीग्रेटर स्टेज बना होता है जो कि चित्र को फिक्स रखने का काम करता है। यानी कि पिक्चर को वर्टिकली अगर आपका जो है जंप करता है, तो उसको स्थिर रखने का काम कौन करता है, तो इंटीग्रेटर स्टेज करता है। तो इंटीग्रेटर स्टेज इस जो है माइक्रो प्रोसेसर आईसी के अंदर ही बना होता है। तो अगर इंटीग्रेटर स्टेज से संबंधित रिलेटेड खराबी हो जाएगी, आईसी के अंदर खराबी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि पिक्चर आपका जो है वर्टिकली जंप करेगा, यानी कि जो है ऊपर नीचे जो है पिक्चर जो है इस प्रकार के जंप करेंगे, या आपके पिक्चर जो है ऊपर और नीचे की ओर भागने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको वर्टिकल रोलिंग भी कहते हैं। अगला फॉल्ट होता है
नॉन लिनियर पिक्चर, असमान पिक्चर। कभी कभी ऐसा फॉल्ट होता है कि पिक्चर जो है आपको टीवी की स्क्रीन पर सही रूप से प्राप्त नहीं होकर के, पिक्चर तो प्राप्त होता है या लाइट जो प्राप्त होता है, तो लाइट आपको सही प्राप्त नहीं होगा। देखिएगा कि आधा भाग का लाइट जो है सही प्राप्त होगा और आधा भाग का लाइट सुकड़ करके जो है आपको इतना दूर में लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि भाग जो है आधा भाग का सही आएगा लाइट है और आधा भाग का लाइट पूरा जो है कंसंट्रेट होकर के एक जगह जो है जमा हो जाएगा, वहाँ का लाइट बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो अगर इस प्रकार का फॉल्ट हो कि आपको पिक्चर असमान नजर आए, यानी कि आपका चेहरा जो होगा वो चेहरा काफ़ी बड़ा नजर आए और पैर काफ़ी छोटा नजर आए, तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट हो जाए कि अगर चेहरा बड़ा हो जाए, मुँह जो है घेड़ा की तरह दिखाई दे और पैर जो है पेड़ की तरह दिखाई देने लगे, यानी कि आपका जो चेहरा होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाए और पैर काफ़ी छोटा नजर आने लगे, तो इस प्रकार के फॉल्ट को असामान्य फॉल्ट बोलते हैं, नॉन लिनियर फॉल्ट बोलते हैं। और इस प्रकार के फॉल्ट में भी खराबी वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे का भाग लंबा हो जाए और ऊपर का भाग आपका छोटा हो जाए। और साथ ही साथ ये भी फॉल्ट होता है कि क्या होता है कि ऊपर वाला भाग लंबा हो जाएगा और नीचे वाला भाग जो है पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब है कि चेहरा, इतना दूर का चेहरा जो है ऊपर से आएगा और उतना दूर का चेहरा नीचे से आएगा, यानी कि पलट जाएगा। तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट होता है, असामान्य अगर चित्र प्राप्त होते हैं, तो वो भी खराबी आपको वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड होती है। तो कहाँ की खराबी होगी, तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि इस आईसी के जो सप्लाई जो रिलेटेड जो आपके जो फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर ये भी सप्लाई अगर जो है सही रूप से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, तो उस स्थिति में असामान्य चित्र आपको प्राप्त होते हैं। चुके हैं कि डिफ्लेक्शन या कॉइल के एक सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं, कहाँ से, तो आईसी के पिन नंबर 5 से निकलने वाला वर्टिकल फ्रीक्वेंसी देते हैं और दूसरा सिरा एक कैपेसिटर के द्वारा रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन में अर्थ करते हैं। तो इस कैपेसिटर के निगेटिव लाइन से लगे हुए यह रेजिस्टेंस, यह कैपेसिटर, यह रेजिस्टेंस, ये सब अगर खराब हो जाएंगे, तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि पिक्चर जो है असामान्य नजर आने लगेगा, यानी कि चित्र आपका सही नहीं आकर के चित्र का आधा भाग लंबा हो जाएगा और आधा भाग छोटा हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि नीचे वाला भाग लंबा हो जाए ऊपर वाला भाग छोटा हो जाए। तो इस प्रकार का अगर फॉल्ट हो कि चित्र आपका आधा भाग सही आए और आधा भाग लंबा हो जाए, या आधा भाग काफ़ी लंबा हो जाए और आधा भाग काफ़ी छोटा हो जाए, तो उस फॉल्ट में हम लोग मुख्य रूप से ये मेन जो आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा तो भी ऐसा फॉल्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएंगे तो भी ऐसा होता है, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएंगे तो भी होता है। तो मुख्य रूप से ये और ये तीन से संबंधित खराबी हो जाने पर उस स्थिति में आपका चित्र जो है नॉन लिनियर प्राप्त होने लगता है, असामान्य चित्र प्राप्त होने लगता है। लेकिन इसमें ध्यान यह देना होता है कि जब कभी भी नॉन लिनियर चित्र प्राप्त हो, तो सबसे पहले आप जो है सर्विस टेलीविजन सेट के सर्विस मोड को खोलिए, और सर्विस मोड खोल करके और उसमें पहले सेटिंग में जाइए, वर्टिकल सेक्शन के सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जा करके पहले उसको जो है आप जो है सर्विस मोड के द्वारा उसको फॉल्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी होता है कि आप सर्विस मोड में अगर छेड़छाड़ कर दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक जो है अगर आप छेड़छाड़ कर दीजिएगा, तो उस स्थिति में भी पिक्चर जो है नॉन लिनियर प्राप्त होने लगता है। तो अगर सर्विस मोड के द्वारा अगर फॉल्ट दूर नहीं हो, तो उस पोजिशन में उस स्थिति में हम लोग जो है मुख्य रूप से इस डिफ्लेक्शन ये क्वाइल से लगे हुए यह कैपेसिटर, यह रेजिस्टेंस, यह कैपेसिटर और यह रेजिस्टेंस की जांच करते हैं, यानी कि जो डिफ्लेक्शन ये क्वाइल का जो दूसरा जो सिरा होता है जो कि निगेटिव लाइन से अर्थ होता है, तो उसके निगेटिव लाइन से लगे हुए कंपोनेंट की खराबी होगी। कब? जब पिक्चर असामान्य प्राप्त हो तब। तो इस प्रकार से वर्टिकल सेक्शन के जो है अनेकों फॉल्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग समझे। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से वर्टिकल सेक्शन काम करता है और कौन कौन से फॉल्ट में किस प्रकार से उसकी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें।